हो गया। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूँ। So first question is which type of solid crystals will conduct heat and electricity? तो आप लोग जानते हो कि बेस्ट ऑप्शन तो इसके लिए जो है हमारा मेटेलिक सॉलिड ही होगा। ठीक है, एक कंफ्यूजन हो सकता है आयोनिक सॉलिड को लेकर के, लेकिन आयोनिक सॉलिड जो है वो मोल्टन फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आयंस, लेकिन सॉलिड फॉर्म में नहीं करेंगे। तो यहाँ पे कोई मोल्टन फॉर्म तो मेंशन नहीं है, तो इसलिए बेस्ट चॉइस जो है वो मेटेलिक सॉलिड हो जाएगा। Now question number 2 जो है वो कह रहा है कि correct statement in the following is, so ionic crystal of AgBr has only Schottky effect। तो ये जो only है ये गड़बड़ है। आप लोग जानते हो बहुत अच्छी तरीके से कि AgBr में जो है Frenkel defects भी होता है और Schottky defects भी होता है, तो हमें यहाँ पे correct statement चूज करना है। तो ये statement correct नहीं है। फिर second statement कह रहा है कि unit cell having crystal parameters A is equals to B but not equal to C and alpha equals to beta equals to 90 degree and gamma is equals to 120 degree। तो ये तो एक वेल नॉन क्रिस्टल सिस्टम के क्रिस्टल पैरामीटर्स हो गए, तो ये हमारा इन एनी वे करेक्ट ऑप्शन हो गया है। ठीक है, तो और किसी को तो हमें चेक करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि सिंगल चॉइस करेक्ट क्वेश्चंस है। बट यहाँ पे मैं बता देता हूँ फिर भी कि आयोनिक सॉलिड हैविंग फ्रेंकल डिफेक्ट रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ कैटाइन टू द रेडियस ऑफ एनाइन इज हाई। नहीं, फ्रेंकल डिफेक्ट उन आयोनिक सॉलिड्स में होता है जिनमें लोअर कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, और लोअर कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए जो है वो स्मॉलर साइज के वॉइड्स जो ऑक्यूपाइड रहेंगे। तो जैसे आप जानते हो कि ये ट्रांजिशन मेटल सल्फाइड्स, ट्रांजिशन मेटल हैलाइड्स के अंदर जो है वो फ्रेंकल डिफेक्ट्स नजर आते हैं। तो लोअर कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए लोअर रेडियस रेशियो की वैल्यू होगी, तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Na प्लस इन NaCl इज 4 नॉट 6 होता है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 के लिए करेक्ट ऑप्शन 2 हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसमें कह रहा है मैक्सिमम रेडियस ऑफ स्फीयर्स दैट कैन बी फिटेड इन ऑक्टाहेड्रल वॉइड। इस क्वेश्चन में ज्यादातर बच्चों को जो है कंफ्यूजन क्रिएट हो गया, रीड करने की जरूरत है आराम से। कह रहा है दैट कैन बी फिटेड इन दी ऑक्टाहेड्रल होल, मतलब ऑक्टाहेड्रल होल ऑक्टाहेड्रल ही रहना चाहिए, ये डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। तो देखिए ऑक्टाहेड्रल होल का मतलब क्या हो गया कि हमारे पास में जो है ऑक्टाहेड्रल होल का अगर क्रॉस सेक्शन अगर देखेंगे तो ये इस टाइप का क्रॉस सेक्शन आएगा। तो अब इसमें प्रॉपरली अगर फिट होना है किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल को, तो वो इस टाइप से ऐसे रहना चाहिए। अब मैक्सिमम तो आप कितना भी साइज ले सकते हो, उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है, कोई डिफाइंड वैल्यू ही नहीं होगी मैक्सिमम के लिए। तो बट हमें ये ध्यान रखना है कि हमारा जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड है वो मेंटेन रहना चाहिए, वो डिस्ट्रॉय नहीं होना चाहिए। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड के लिए जो हमारा रेडियस रेशियो का जो रेंज होता है 4.4142 0.732 होता है। तो क्लास में जैसे अच्छी तरीके से बताया था कि ये जब सिचुएशन होगी तो जो हमारे पास में रेडियस रेशियो की जो वैल्यू होगी वो 0.414 होगी। इससे भी अगर छोटा हो जाएगा 0.414 से तो स्लिप कर जाएगा, ऑक्टाहेड्रल वॉइड में एडजस्ट ही नहीं करेगा। और जैसे ही 0.414 से बड़ा होगा तो क्या होगा, 0.414 से अगर बड़ा होगा तो ये वॉइड डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट हो जाएगा। जो एटम वॉइड बना रहे हैं उनके बीच में कांटेक्ट लूज हो जाएगा। तो फिर अगर आप ऐसे मैक्सिमम वैल्यू देख रहे हो तो इसमें तो 0.732 ही क्यों लेना है, कुछ और भी ले सकते हैं आप। बट आप कहोगे कि इस ऑप्शन में इसके आगे और कुछ है ही नहीं, तो ये गलत है। 0.732 ये तो क्यूबिक वॉइड की तरफ इसको शिफ्ट करा रहा है, और जो CCP है उसके अंदर क्यूबिक वॉइड तो होगा ही नहीं, उसमें सिर्फ ऑक्टाहेड्रल वॉइड ही रहेगा। सोचने की कोशिश करो कि अगर तुम 0.732 लोगे तो ये तो पैकिंग का पैटर्न ही बदल देगा। तो इसलिए बेस्ट जो आंसर यहाँ पे होगा हमारा वो B होगा, क्योंकि जैसे आप 0.732 रेडियस का स्फीयर CCP के अंदर जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड होता है उसमें फिट करने की कोशिश करोगे तो पहली बात तो वो फिट ही नहीं होगा, और फिट अगर हो भी जाएगा तो जो CCP अरेंजमेंट है उसको डिस्ट्रॉय कर देगा। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 3 के लिए 4th हमारा B ऑप्शन जो है बेस्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए कह रहा है कि TlCl का जो स्ट्रक्चर है सिमिलर टू सीजियम क्लोराइड, व्हाट वुड बी द रेडियस रेशियो इन TlCl। तो सीजियम क्लोराइड के अंदर अगर आप देखते हो तो Cl माइनस का जो होता है वो एक सिंपल क्यूबिक अरेंजमेंट होता है, और सिंपल क्यूबिक अरेंजमेंट के अंदर जो क्यूबिक वॉइड है दैट रिमेन ऑक्यूपाइड बाय सीजियम आयन, या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं कि इसके अंदर जो है इन टू इंटरपेनेट्रेटेड CCPs ऑफ कैटाइन एंड एनाइन होते हैं। तो जो हमारे पास में क्यूबिक वॉइड को ऑक्यूपाई करने के लिए जो रेडियस रेशियो होता है वो 0.732 to 1 के करीब होता है, तो इसी के बीच में होना चाहिए, ठीक है। या फिर जैसे मैंने बताया था कि कैलकुलेशन पर्पस के लिए हम लिमिटिंग वैल्यू को लेंगे तो ये क्यूबिक वॉइड के अंदर रहेगा, तो क्यूबिक वॉइड को जो भी ऑक्यूपाई करता है उसके लिए रेडियस रेशियो की वैल्यू जो है ये 0.7321 के आसपास होगी। तो क्वेश्चन नंबर 4 हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है नंबर ऑफ इक्वी डिस्टेंस अपोजिटली चार्ज आयंस इन सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल। तो सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल के अंदर आपको बताया था कि Cl- का एक CCP अरेंजमेंट होता है और उस CCP अरेंजमेंट के अंदर जो ऑक्टाइडल वाइड्स है वहाँ पे सोडियम आयन प्रेजेंट रहता है। तो ऑक्टाइडल वाइड में अगर सोडियम आयन प्रेजेंट रहेगा तो एक सोडियम आयन के अराउंड 6 क्लोराइड आयन होंगे और एक क्लोराइड आयन के अराउंड जो है वो 6 सोडियम आयन हो जाएंगे। तो अब आप काउंट कर सकते हैं जो क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि नंबर ऑफ इक्वी डिस्टेंस अपोजिटली चार्ज्ड आयंस इन सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। तो इसका आंसर हमारा बी आ जाएगा। इस क्वेश्चन के लिए आंसर डी हो गया है। नाउ 6th क्वेश्चन में कह रहा है इन दी फ्लोराइड स्ट्रक्चर। फ्लोराइड स्ट्रक्चर आप लोग जानते हो कैसा होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कैल्शियम आयन जो है क्या होगा। तो फ्लोराइड स्ट्रक्चर कैल्शियम फ्लोराइड के लिए होता है और इसके अंदर जो कैल्शियम आयन है वो सीसीपी लैटिस फॉर्म कर रहा है और फ्लोराइड आयन जो है इसके अंदर ऑल टेट्राहेड्रल वॉइड्स को ऑक्यूपाई कर रहा है। तो जो भी टेट्राहेड्रल वॉइड्स में होगा उसका कोऑर्डिनेशन नंबर तो 4 हो जाएगा और मैंने बताया था फॉर्मूला अगर आपके पास में है तो दूसरे आयन का आप कोऑर्डिनेशन नंबर फॉर्मूला से निकाल सकते हो। तो यहाँ पे कैल्शियम आयन और फ्लोराइड आयन के कोऑर्डिनेशन नंबर का जो रेशियो होगा वो 2:1 होगा, क्योंकि आयन के नंबर का रेशियो 1:2 है तो कोऑर्डिनेशन नंबर का रेशियो 2:1 हो जाएगा। फ्लोराइड आयन टेट्राहेड्रल वॉइड में है तो इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, तो फिर कैल्शियम आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर फ्लोराइड आयन के कोऑर्डिनेशन नंबर का 2x हो जाएगा। तो 4 का 2x जो है वो कितना हो जाएगा, 8 आ जाएगा। नाउ 7th क्वेश्चन के अंदर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट सोडियम क्लोराइड स्ट्रक्चर। तो NaCl का स्ट्रक्चर है, तो NaCl में हम जानते हैं कि Cl- CCP बनाता है और इसके सारे ऑक्टाहेड्रल वॉइड को Na+ ऑक्यूपाई करता है। या फिर आपको मैंने क्लास में ये भी बताया था कि NaCl बेसिकली जो है 2 इंटरपेनेट्रेटिंग CCPs ऑफ कैटाइन एंड एनाइन है। सोडियम आयन का अरेंजमेंट भी CCP जैसा है और क्लोराइड आयन का अरेंजमेंट जो है वो भी CCP जैसा ही है। तो क्लोराइड आयन आर इन FCC अरेंजमेंट, ये तो करेक्ट हो गया, हमें नॉट ट्रू आइडेंटिफाई करना, तो ये तो ट्रू है। सोडियम आयन हैज कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ 4, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि अभी किसी एक क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि एक सोडियम आयन के अराउंड 6 क्लोराइड आयन होते हैं और एक क्लोराइड आयन के अराउंड 6 सोडियम आयन होते हैं। तो सोडियम आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर जो है 4 नहीं होगा, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा। सो क्लोराइड आयन हैज कोऑर्डिनेशन नंबर 6 एंड ईच यूनिट सेल कंटेन 4 फॉर्मूला यूनिट्स। ये सारे बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्लास में ऑलरेडी आपको बता रखे हैं, उन्हीं पर बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर 8 में ये कह रहा है कि इन AB आयोनिक कंपाउंड रेडियस ऑफ कैटाइन एंड एनाइन आर गिवन एज 180 PM एंड 187 PM रेस्पेक्टिवली, क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ दिस कंपाउंड। तो वैसे तो डायरेक्टली देख करके किसी आयोनिक सॉलिड के क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स को हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन कुछ डेटा अगर हमारे पास में है तो हम थोड़े बहुत प्रिडिक्शंस कर सकते हैं। तो डेटा में बेसिकली हमारे पास में रेडियस का रेशियो होना चाहिए। तो यहाँ पे जो कैटाइन की रेडियस है और जो एनाइन की रेडियस है इसका रेशियो अगर हम निकालते हैं तो ये 180/187 आता है। तो अप्रॉक्सीमेटली ये 0.9 के करीब आएगा। तो अप्रॉक्सीमेटली ये 0.9 के करीब आने का मतलब हो गया है कि ये इंडिकेट कर रहा है कि जो हमारे पास में एक क्यूबिक टाइप का जो वॉइड है वो ऑक्यूपाइड है। क्यूबिक वॉइड इज ऑक्यूपाइड, कैटाइन जो है वो क्यूबिक वॉइड को ऑक्यूपाई कर रहा है। तो आप ये जो 3 स्ट्रक्चर्स दे रखे हैं या 4 देख सकते हैं, सिमिलर टू डायमंड भी कह रहा है, इनमें किसमें क्यूबिक वॉइड ऑक्यूपाइड होता है? तो क्यूबिक वॉइड सिर्फ सीजियम हैलाइड के अंदर ऑक्यूपाइड होता है। यही आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 में ये कह रहा है कि व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सोडियम इन सोडियम ऑक्साइड। तो सोडियम ऑक्साइड का स्ट्रक्चर आप लोग जानते हो कि ये एंटी फ्लोराइड टाइप का होता है। तो जैसे मैंने कहा था कुछ बेसिक स्ट्रक्चर्स आपको लर्न करने होंगे। एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर के अंदर जो हमारा एनाइन है वो सीसीपी लैटिस प्रोड्यूस करता है और कैटाइन जो है वो इस लैटिस के सारे टेट्राहेड्रल वॉइड्स में रहेगा और जो भी टेट्राहेड्रल वॉइड में रहता है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाता है, 4 हो जाता है। तो यहाँ पे सोडियम आयन जो है वो टेट्राहेड्रल वॉइड को ऑक्यूपाई करेगा और सोडियम आयन का जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में सर्टेन क्रिस्टल्स प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक सिग्नल ऑन एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर, ठीक है. सो दिस फिनोमेना इज कॉल्ड एज पाइजो इलेक्ट्रिसिटी. ये तो एक फैक्ट टाइप का है, लर्न करना होगा ये डेफिनेशन. क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है विच डिफेक्ट्स कॉज डिक्रीज इन द डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल. तो इसका मतलब मैटर का जो मास है यूनिट सेल का वो एक आइडियल यूनिट सेल से कम होना चाहिए, तभी डेंसिटी जो कम होगी. तो फ्रैंकल डिफेक्ट्स के अंदर आपको पता है कि बेसिकली इसमें क्या होता है कि मिसप्लेसमेंट ऑफ आयंस होता है. आयंस आर नॉट मिसिंग फ्रॉम देयर लेटेस्ट पोजीशंस, मिसप्लेस्ड होते हैं. इंटरस्टिशियल एज वेल एज वैकेंसीज क्रिएट हो जाती है, तो अंदर ही है लेकिन मिसप्लेस है, तो इसमें तो डेंसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा. तो इंटरस्टिशियली एक ही बात है, मिसप्लेस्ड ही है या फिर कोई एक्स्ट्रा इम्प्योरिटी आकर के ऐड हो गई होगी तो उसमें तो डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है. और शॉर्ट की और फ्रैंकल एफ सेंटर को अगर हम देखेंगे, एफ सेंटर बेसिकली कोई जो है डिफेक्ट नहीं है. एफ सेंटर बेसिकली एक रीजन है फॉर दी कलरेशन ऑफ कलरलेस आयोनिक एल्कली मेटल हैलाइड्स के लिए. तो ये कह रहा है कि विच डिफेक्ट कॉज डिक्रीज इन द डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल. तो शॉर्ट की डिफेक्ट इज बेसिकली वैकेंसीज की वजह से होता है. Equal number of cationic and anionic vacancies are responsible for Schottky defects, और Schottky defects की वजह से डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी. तो क्वेश्चन नंबर 11 का हमारा आंसर हो गया, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 12 को अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर कह रहा है कि इन लेबोरेटरी सोडियम क्लोराइड इज मेड बाय बर्निंग सोडियम इन द एटमॉस्फेयर ऑफ क्लोरीन. तो इसका मतलब है कि सोडियम को हम क्लोरीन के एटमॉस्फेयर में बर्न कर रहे हैं, ठीक है. बर्न करने का मतलब आप बेसिकली इसको हीट ही कर रहे हो. तो यहाँ पे क्या होगा कि नॉन स्टोइकियोमेट्रिक सोडियम क्लोराइड बनेगा, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक सोडियम क्लोराइड बनेगा. तो ये जो हमारे पास में सोडियम है वो तो सॉलिड ही होगा और क्लोरीन जो है वो गैस ही होगा. तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जो क्लोरीन के जो मॉलिक्यूल है वो तो पूरे वेसल में, पूरे एनवायरमेंट में स्प्रेड आउट रहेंगे, लेकिन सोडियम जो होगा एक बल्क की तरह, सॉलिड की तरह किसी एक जगह पे कॉन्सेंट्रेटेड रहेगा. तो इसका मतलब जहाँ पे भी रिएक्शन हो रही है वहाँ पे सोडियम के पार्टिकल्स ज्यादा होंगे, क्लोरीन के पार्टिकल्स कम होंगे. तो जो भी एक ये नॉन स्टोइकियोमेट्रिक सोडियम क्लोराइड बनेगा, इसके अंदर नॉन मेटल डेफिशिएंसी होगी, मेटल एक्सेस डिफेक्ट होगा, ठीक है. नॉन स्टोइकियोमेट्रिक सॉलिड क्लोराइड, तो इसके अंदर बेसिकली मेटल एक्सेस ड्यू टू एनायनिक वैकेंसीज हो जाएगी, ठीक है. समझने की कोशिश करो मैं क्या कह रहा हूं. मैं ये कह रहा हूं कि जब आप सोडियम को क्लोरीन के एटमॉस्फेयर में बर्न करेंगे, ठीक है, तो क्लोरीन एक गैस है, ये स्प्रेड आउट रहेगी और सोडियम एक सॉलिड की तरह, बल्क की तरह किसी जगह पे कॉन्सेंट्रेटेड रहेगा. तो जहां पे भी रिएक्शन हो रही है वहां पे सोडियम एक्सेस क्वांटिटी में रहेगा और क्लोरीन जो है वो लिमिटेड अमाउंट में रहेगा. तो उसका मतलब एक सोडियम क्लोराइड बन जाएगा और उस सोडियम क्लोराइड के सरफेस पे बहुत सारा सोडियम मेटल डिपॉजिटेड रहेगा. तो ये बिल्कुल वैसी सिचुएशन होगी जैसे सोडियम क्लोराइड को सोडियम की वेपर के साथ हीट कर रहे हो एक टाइप से, ठीक है. तो यहाँ पे ये नॉन स्टोइकियोमेट्रिक सोडियम क्लोराइड बनेगा और इस नॉन स्टोइकियोमेट्रिक सोडियम क्लोराइड के अंदर मेटल एक्सेस डिफेक्ट होगा ड्यू टू दी एनायनिक वैकेंसीज एंड दीज एनायनिक वैकेंसीज रिमेन ऑक्यूपाइड बाय इलेक्ट्रॉन टू बैलेंस दी चार्ज. तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि कॉज ऑफ येलो कलर इज प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द क्रिस्टल लैटिस. और वैसे आप देखोगे कि प्रेजेंस ऑफ सोडियम आयन इन द क्रिस्टल लैटिस, प्रेजेंस ऑफ क्लोराइड आयन इन द क्रिस्टल लैटिस, प्रेजेंस ऑफ फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल, ये तो कोई कलर का रीजन नहीं हो सकता है. कलर का रीजन का मतलब है कि जो मैटर है वो सर्टेन वेवलेंथ के रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर रहा है. तो ये रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करने का मतलब इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस हो रहे हैं. तो यहाँ पे आयन तो ट्रांजिशन में इन्वॉल्व नहीं होंगे ना, इन आयन के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वही इन्वॉल्व होंगे. तो फ्री इलेक्ट्रॉन तो जो एफ सेंटर वाले जो इलेक्ट्रॉन है वही होंगे. तो इसलिए सी बेस्ट चॉइस हो सकता है और कुछ हो ही नहीं सकता यहाँ पे. या तो आप इस क्वेश्चन को छोड़ेंगे, ठीक है, या अटेम्प्ट करेंगे. तो अटेम्प्ट करोगे तो सी ही करेक्ट ऑप्शन हो सकता है. बिलीव मी, ए, बी और डी तो बिल्कुल भी रीजन नहीं होगा येलो कलर के लिए. क्वेश्चन नंबर 13 वेरी इजी. वन ऑफ द फॉलोइंग क्रिस्टल डज नॉट एग्जिबिट फ्रैंकल डिफेक्ट्स. तो आपको पता है कि AgBr में तो शॉटकी डिफेक्ट्स भी होता है, फ्रैंकल डिफेक्ट भी होता है, दोनों ही होते हैं. फ्रैंकल डिफेक्ट्स उन कंपाउंड्स में होता है जिनमें कोवेलेंट करेक्टर ज्यादा होता है और आयनिक करेक्टर कम होते हैं. जब कोवेलेंट करेक्टर ज्यादा हो जाता है तो कोऑर्डिनेशन नंबर कम ही होता है ना. आयनिक कंपाउंड में कोऑर्डिनेशन नंबर जो है 9 तक चला जाता है, सीजियम हैलाइड 8 तक चला जाता है सीजियम हैलाइड के अंदर. लेकिन किसी कोवेलेंटली बॉन्डेड कंपाउंड में कोऑर्डिनेशन नंबर 8 नहीं होता है, होते भी तो बहुत लेस अनस्टेबल कंपाउंड होते हैं XeF8 टाइप का। तो ये जो हाई कोवेलेंट कैरेक्टर वाले जो कंपाउंड्स हैं उनके अंदर फ्रैंकल डिफेक्ट्स के होने की ज्यादा प्रोबेबिलिटी होती है। तो ये ट्रांजिशन मेटल हैलाइड्स होते हैं, ट्रांजिशन मेटल सल्फाइड्स होते हैं। एल्कली मेटल्स के अंदर तो शॉर्ट की डिफेक्ट्स हो सकते हैं जहाँ पे हायर आयोनिक कैरेक्टर्स होते हैं, हायर कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वगैरह वगैरह। तो इसको आप और रिवाइज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 में इन द प्रेजेंस इफ द प्रेशर ऑन NaCl स्ट्रक्चर इज इंक्रीज, तो मैंने बताया था कि कोऑर्डिनेशन नंबर पे प्रेशर का इफेक्ट और टेम्परेचर का इफेक्ट अगर हमें समझना है तो आपको जस्ट ये देखना है कि जो भी हम कर रहे हैं चेंज उससे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल पास में आएंगे या दूर दूर जाएंगे। तो जब आप प्रेशराइज करेंगे, कंप्रेस करेंगे तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल पास में आएंगे। तो इसका एक के अराउंड अदर्स का नंबर बढ़ेगा, तो एक के अराउंड अदर्स का नंबर बढ़ेगा तो कोऑर्डिनेशन नंबर भी बढ़ जाएगा। तो प्रेशर इंक्रीज करने से हमेशा कोऑर्डिनेशन नंबर इंक्रीज होता है। तो आप कॉपी को रिवाइज करेंगे तो आप देखेंगे कि मैंने लिखा है कि प्रेशर इंक्रीज करने से जो रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर होता है वो सीजियम हैलाइड स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर के अंदर जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो 6 होता है और प्रेशर इंक्रीज करने से ये 8:8 के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर। तो यहाँ पे हम ये कहेंगे कि इफ प्रेशर और NaCl स्ट्रक्चर इज इंक्रीज देन इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर विल also increase। Last question आ गया हमारा, ठीक है। पिक्नोमीटर is used to determine specific gravity। Specific gravity का मतलब होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो इसका मतलब है कि ये मास पर यूनिट वॉल्यूम की बात कर रहा है, ठीक है। तो वैसे तो रिलेटिवली हम डेंसिटी, जो रिलेटिव डेंसिटी होती है उसको स्पेसिफिक ग्रेविटी कहते हैं। तो यहाँ पे हम बेसिकली मास पर यूनिट वॉल्यूम दैट इज हमारे पास डेंसिटी दे रखी है। तो इसका मतलब सोडियम क्लोराइड की 2 टाइप की डेंसिटी दे रखी है, एक डेंसिटी ये है और दूसरी डेंसिटी ये है। तो आप ये डेंसिटी अगर देखेंगे तो ये जो है वो हायर डेंसिटी है। तो हायर डेंसिटी होने का मतलब है कि इसके अंदर जो परसेंटेज ऑक्यूपेंसी होगी वो ज्यादा होगी। देखो फॉर्मूला क्या होता है हमारा डेंसिटी का, Z इंटू मॉलिकुलर मास अपॉन आवोगाड्रोज नंबर, ठीक है, एंड वॉल्यूम। तो आप पिक्नोमीटर को यूज करिए डेंसिटी डिटरमाइन करने के लिए या एक्सरे डिफ्रेक्शन एक्सपेरिमेंट यूज करिए डेंसिटी डिटरमाइन करने के लिए। मोलर मास में चेंज नहीं होना है, जो यूनिट सेल है उसके वॉल्यूम में चेंज नहीं होना है और जो आवोगाड्रोज नंबर है जो कि ये कांस्टेंट है उसमें चेंज नहीं होना है। चेंज जो भी आपको कहीं नजर आएगा तो वो Z में नजर आएगा। भाई डिफेक्ट हो सकते हैं, तो डिफेक्ट होने की वजह से जो पिक्नोमेट्रिक डेंसिटी निकालेंगे वो कम आएगी। एक्सरे डिफ्रेक्शन स्ट्रक्चर तो उसके जो यूनिट सेल है उसका स्ट्रक्चर बताएगा, उसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है उनके बारे में कुछ नहीं बताएगा। तो हमने मास देख लिया, डायमीटर वगैरह देख लिया, तो ये हायर डेंसिटी है तो इसका मतलब हायर परसेंटेज ऑक्यूपेंसी है। ये लोअर डेंसिटी है तो इसका मतलब लोअर परसेंटेज ऑक्यूपेंसी है, ठीक है। तो लोअर डेंसिटी मीन्स लोअर ऑक्यूपेंसी। Of lattice positions। और यहां पे जो है हम ये कह सकते हैं कि हायर ऑक्यूपेंसी ऑफ लैटिस पोजीशन। हायर ऑक्यूपेंसी ऑफ लैटिस पोजीशंस। तो अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि द फ्रैक्शन ऑफ अनऑक्यूपाइड साइट्स। तो इसका मतलब वैसे सारे सॉलिड जो होते हैं वो बेसिकली क्या होते हैं, इम्परफेक्ट सॉलिड ही होते हैं। तो यहाँ पे पिक्नोमीटर की हेल्प से जो हमने डेंसिटी निकाली है वो हमें बता रहा है कि यहाँ पे सारी साइट्स जो है ऑक्यूपाइड नहीं होगी। तो मैं ये इन दोनों डेंसिटी का रेशियो अगर निकालता हूँ, ठीक है, तो ये दोनों डेंसिटी हमें बताएगी परसेंटेज साइट्स ऑक्यूपाइड कितनी हो जाएगी। तो हम मान के चल रहे हैं कि एक्सरे डेंसिटी जो है वो एक टाइप की आइडियल डेंसिटी है और पिक्नोमीट्रिक डेंसिटी जो है वो नॉन आइडियल डेंसिटी है, मतलब डिफेक्टेड सॉलिड की बात कर रहा है यहाँ पे। तो ये जो हो गया हमारे पास में, सो परसेंटेज, या परसेंटेज क्यों कहते हैं हम, मैं कह देता हूँ फ्रैक्शन ऑफ ऑक्यूपाइड साइट अगर निकालना है तो दैट इज इक्वल्स टू 2.165 इंटू 10⁻³ जो कि ये डिफेक्टेड सॉलिड की डेंसिटी है 2.178 इंटू 10⁻³ जो कि एक परफेक्ट सॉलिड की डेंसिटी है। अब अगर मुझे निकालना है फ्रैक्शन ऑफ अनऑक्यूपाइड साइट तो फ्रैक्शन ऑफ अनऑक्यूपाइड साइट तो ये जैसे आप लोग पढ़ते हो मूल फ्रैक्शन के अंदर तो ये 1 माइनस जो है हमारे पास में फ्रैक्शन ऑफ ऑक्यूपाइड साइट हो जाएगा क्योंकि दो ही टाइप का तो फ्रैक्शन है। अब ये यहाँ पे वैल्यू निकाल करके आप सॉल्व कर सकते हैं उसको और अकॉर्डिंगली आप चेक करेंगे तो आपका आंसर जो है इसके अंदर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। तो ऐसे जो है ठीक है बेटा, तो नेक्स्ट क्लास में जो हमारा क्विज होगा उसमें कंप्लीट सॉलिड स्टेट आएगा तो इस कंप्लीट सॉलिड स्टेट की और अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करना है। इसमें जो है कुछ मल्टीपल ऑप्शन करेक्ट टाइप के क्वेश्चंस भी मैं रखूंगा इस चीज़ के लिए, ठीक है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम हो जाएंगे लेकिन मल्टीपल करेक्ट टाइप के क्वेश्चंस भी होंगे तो अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करनी है। इस चैप्टर की आपको अपनी समरी प्रिपेयर करनी है, एक बेटर अंडरस्टैंडिंग और डेवलप करनी है सो दैट फाइनल एग्जाम के लिए हम अच्छी तरीके से प्रिपेयर हो पाएंगे। सो थैंक यू वेरी मच।